रेलवे द्वारा आगामी त्योहारी मौसम में अतिरिक्त यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा हेतु 68 जोड़ी रेल सेवाओं में 145 डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि फेस्टिवल सीजन को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा हेतु स्टेशनों पर अतिरिक्त स्टाफ लगाए जा रहे हैं, विशेष काउंटर बनाए गए हैं। स्पेशल ट्रेनों के बारे में उद्घोषणा प्रणाली द्वारा लगातार उद्घोषणा की जा रही है। भीड़ को नियंत्रित करने हेतु आरपीएफ के अतिरिक्त जवान नियुक्त किए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। आगामी आने वाले पर्व त्योहारों को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं और साथ ही साथ ये समीक्षा किया जा रहा है कि किस रूट पर यात्रीभार बढ़ रहा है और उसको देखते हुए स्पेशल ट्रेनों का संचालन, गाड़ियों के में डब्बों की स्थायी और अस्थायी बढ़ोतरी, ये तीनों काम किए जा रहे हैं। अभी उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा नवम्बर माह के लिए 68 जोड़ी गाड़ियों में 145 डब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। ये हर तरह के डब्बे हैं, जनरल क्लास भी हैं, स्लीपर हैं, एसी हैं और इसी तरह से 47 स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन किया जा रहा है जो कि उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा संचालित की जा रही है या उत्तर पश्चिम रेलवे के क्षेत्राधिकार में भी चल रही है। तो इस तरह से हम पूरी समीक्षा कर रहे हैं और लगातार हम दूसरे रेलवे से भी बात कर रहे हैं कि और किस तरह से स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा सके ताकि जो भीड़ बढ़ रही है या जो यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाह रहे हैं उनको हम और सुविधाजनक उपलब्ध करा सके। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो स्टेशनों पर जो अरेंजमेंट है जो क्राउड कंट्रोल के लिए उसका भी हम इंतजाम देख रहे हैं और आरपीएफ की टीम हम लगा रहे हैं, एडिशनल काउंटर लगा रहे हैं और साथ ही साथ जो है क्यू मैनेजर्स लगा रहे हैं ताकि जो यात्री आ रहे हैं उनको एक सही और गंतव्य दिशा में पहुंचाने के लिए हम तत्पर हैं।